हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम फ्यूचर पॉइंट में। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे किसी भी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुग़ल सम्राट ने प्रदान की थी? तो किस मुग़ल सम्राट के द्वारा आदेश दिया गया था? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में दस्यु, ये दस्यु जो शब्द है फ्रेंड्स, दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो अनार्यों के लिए। क्या फ्रेंड्स? अनार्यों के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया था। संगम युगिन साहित्य किस शैली में लिखी गई है? तो संगम युगिन साहित्य काव्य शैली में लिखी गई है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना कौन किया था फ्रेंड्स? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच हुआ था। किसके फ्रेंड्स? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। परमार वंश की स्थापना कहाँ की गई थी फ्रेंड्स? तो धारा नगरी में परमार वंश की स्थापना की गई थी। महाबलीपुरम स्थित सात रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन। एक औष्म पत्थर का है सात रथ का मंदिर फ्रेंड्स, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा तहकीक ए हिंद की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही की स्थापना किया गया था। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? तो जफरनामा के नाम से विख्यात है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, पत्र को क्या बोलते हैं फ्रेंड? जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली ग्रंथी वैश्वानर तथा विधेय मानव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था फ्रेंड्स? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है किसका फ्रेंड्स? इंद्र देवता की उल्लेख मिलता है। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में निषाद शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स क्या है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था फ्रेंड्स? तो सतारा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में स्थायी स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वप्रथम विवादास्पद शासन किसने किया था फ्रेंड्स? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो तक्षशिला किस प्रांतम की राजधानी थी? तो उत्तरा प्रांशत की राजधानी थी। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों के स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9 में। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो महापीलुपति को कहते हैं। बराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता का चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो सुलीक जाति का माना गया है।
नेक्स्ट राष्ट्रकूट राजवंश के चोलो लेखों में किस राजा को सुगमवर्तक अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो फ्रेंड्स एक था हमारा कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुलाम वंश का शासक बहाउद्दीन मसूद शाह किस परिषद से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स क्या है फिर से, किस परिषद से संबंधित है? ये हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? फिर से इदरार। अकबर ने 1562 में मेवाड़ पर सुरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहां का शासक कौन था? तो जयमल था। एग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विवियन डोरे जियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष कितने स्तूप बनाए गए? फ्रेंड्स तो उनके शरीर के अवशेष से 8 स्तूप बनाए गए हैं। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स तो शासन पत्र कहलाते हैं। किस इस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। बीबी की मकबरा को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फुद्दी नहर या तो फिर फूहड़ नकल, जो कि औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है। हुजूर दफ्तर क्या है फ्रेंड्स? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लियागत प्रशासन के अनुसार किस देवता के उपासक थे? तो शिव के। दीवान ए ईसा क्या है फ्रेंड्स? ये पत्र व्यापार का कार्य था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अहिंसा तैयार की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लोहगढ़ का किला बनवाया गया था। कश्मीर के मारतंड मंदिर के संस्थापक कौन है? तो ललितादित्य मुक्तपिंड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? ललितादित्य मुक्तपिंड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का उल्लेख सबसे अधिक किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का क्या सामान्य रूप था? तो राजतंत्र सामान्य रूप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त जैन धर्म भद्रबाहु के साथ दक्षिण ध्रुव चला गया। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का समुदाय हुआ या उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो क्षुद्रों के समतुल्य माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महमूद गजबरी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो प्रथम आक्रमण 1000 में और अंतिम आक्रमण 1025। उसका सबसे मशहूर आक्रमण है फ्रेंड्स 1025। ये तो लास्ट 1027 में था। 1025 गुजरात में किया गया था फ्रेंड्स, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो ये वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया, वह कौन था फ्रेंड्स? तो अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं फ्रेंड्स? तो सुर कोतड़ों से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकाप्पियम
का विषय क्या है फ्रेंड्स, तो तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। मिस्र के शासक टोमेली ने डायोनियस को राजदूत बनाकर भारत के किस शहर में शासक के पास भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था, तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया था, तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है, तो कांस्य व ताम्र प्रसिद्ध युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था, इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स, तो महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि राजगृह में पहली संगीति का आयोजन किया गया था। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं, तो नागसेन और मिनांडर या मिलिंद। ठीक है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे, तो तंजावुर के चोल सर्वाधिक प्रबल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नवाब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था फ्रेंड्स, तो बलवंत था। रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद हुआ था फ्रेंड्स, तो महाभारत का अनुवाद हुआ है। भारत की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था, तो सुत्तागैंडोर था। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किन राज्य में खोजा गया है फ्रेंड्स, तो गुजरात में पाया गया है धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, तो फ्रेंड्स अरष्टी नेमु या नेमी नाथ को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था, तो कृषि विभाग को सीताध्यक्ष विभाग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था फ्रेंड्स, तो देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सरकिस उपाधि को किस कारण धारण किया था, तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सर्प उत्सक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल सम्राट का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था फ्रेंड्स, तो बहलोल लोदी पहला अफगान शासक था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला पुर्तगाली गवर्नर था। वास्को डी गामा भारत पर पहली बार कब आया था, तो 1498 को कालीकट गुजरात में पहली बार आता है। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स, तो कुशी नगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। छत्रपति शिवाजी का अष्टक मंत्री परिषद को क्या कहते थे फ्रेंड्स, तो अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अथर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपत ब्राह्मण को अथर्वेद का ब्राह्मण कहा जाता है। बाबा फरीद कौन थे, तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को सम्रा
राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के नाम से सम्मानित किया गया है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? तो मेहर निशा नूरजहाँ का वास्तविक नाम था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा हुमायूं को कहा गया था कि दिल्ली अभी दूरस्थ। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से भी किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से भी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। क्योंकि फ्रेंड्स हम लेकर आएंगे डेली आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो जो कि हमारे किसी भी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।